टॉप कॉलेज टॉप लेवल टीचर्स तो होंगे ही। सुन रहे हो, एक हफ्ता भी ताले ना पता चल जाएगा। स्कोर क्या था वैसे आपका? 790.47। मैं मुंबई से। मुंबई? एक्टर नहीं बनना था? नहीं। क्यों? मन नहीं है यार, इंटरेस्ट नहीं है। मैं होता मुंबई तो एक्टर बन जाता पक्का। सो हे गाइस, दिस इज खुशम तलवार। तो आज है ओरिएंटेशन डे, तो आज हमारे यहाँ पे फ्रेशर्स आए हुए, इनका फर्स्ट डे है। तो आज इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपका नाम क्या है? आस्था गोयल। आपका? दिया सुहानी। आस्था, दिया और सुहानी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आपका रिजल्ट आया था, जब देखा था स्क्रीन पे SRCC, तो क्या फीलिंग्स थे उस टाइम? अनबिलीवेबल, ड्रीम कम ट्रू है। जो शायद 10th में कॉमर्स लिया था, मैनिफेस्ट किया था कि SRCC में पढ़ेंगे, वो पूरा होने को आया था। जब यहाँ गेट में एंटर हुए थे, बिल्कुल ही अलग फीलिंग थी, बहुत मस्त था। क्लॉक टावर के सामने पापा मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचवाई, अनदर एक्सपीरियंस, एंड वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। स्कोर क्या था वैसे आपका? 790.47। अपना बताइए एक्सपीरियंस। आई कुडंट बिलीव कि SRCC मिल गया है। लाइक आप 2 महीने पहले बोलते कि आप SRCC से पढ़ने वाले हो, मैं नहीं बिलीव करती। एंड लाइक हम 14th को आए, कोई नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं थे। पेरेंट्स के साथ सबसे पहले पिक्चर क्लिक करी, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्राउड मोमेंट था, हमारे लिए भी था। एंड देखते हैं, इट्स गोइंग टू बी एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। ये जब से 5th class में थे, तभी से हर कॉमर्स स्टूडेंट का एट दी एंड ड्रीम यही होता है SRCC में आना। एंड ऑफकोर्स पेरेंट्स आर ऑल्सो प्राउड एंड मैनिफेस्टेशन केम ट्रू। आपका स्कोर क्या था? 788। बहुत अच्छा लगा था, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितने नंबर आए थे, मगर मिल गया किसी तरह। मैंने लैपटॉप खोला, पापा को बताया, पापा ने गाड़ी ठोक दी। इतना खुश हो गए पापा, क्या बताएं। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। SRCC है भाई नंबर वन। आप अपना बताइए भाई। लगा तो था औकात के बारे, लेकिन अंदर आ गया मेहनत करने के साथ साथ, टाइम के साथ मिल गया। मेहनत करेगा कोई भी उसको मिल जाएगा इजीली। और यही एक्सपीरियंस अच्छा है भाई, SRCC में किसको अच्छा नहीं लगेगा, इंडिया का टॉप कॉलेज है ऑब्वियसली। बहुत अच्छा लगा था, लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, ऐसा एक्सपीरियंस था। बस उसको हम लोग फील कर सकते हैं, ऐसे ही होता है भाई। जब अलॉटमेंट लिस्ट आई, तब तो लगा कि ये सही में हो रहा है या हमें भ्रम हो रहा है। बट जब इधर आए तब ऐसा लग रहा है, अब हो गया परम सुख आनंद। मैं तो साउथ दिल्ली। और आप? बिहार। बिहार आप? हाँ बिहार से। आप? गुजरात से। ओके, अच्छा, हमारे यहाँ पे ब्लॉगर साहब आए हुए हैं, इधर आ जाइए। ब्लॉगर साहब, आप कहाँ के हो? दिल्ली। और क्या एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, लगा नहीं तो होगा एडमिशन, बट हो गया काफ़ी अच्छा। ये बताइए, इस कॉलेज से क्या क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है, क्या क्या लगता है, क्या क्या इसमें प्लेसमेंट लगता है, एनजाइटी अंदर का निकल जाएगा। टीचर्स के बारे में बताओ, टीचर्स के बारे में क्या लग रहा है? एक्सपोजर लेके जाएंगे, टीचर्स तो टॉप लेवल मिलने वाले, टॉप कॉलेज टॉप लेवल टीचर्स तो होंगे। सुन रहे हो, एक हफ्ता भी ताले ना पता चल जाएगा। टीचर्स का पता चलेगा कैसे आगे। बहुत अच्छे लोग टीचर्स नहीं देखते क्या आपका व्लॉग? टीचर्स नहीं देखते क्या? ना हमारा नहीं देखते कभी। स्कोर क्या आपका से? 786। ऋषभ राज नाम है मेरा, और 733 है स्कोर। 741। 688। 781। क्या लगा था, एक्सपेक्टेशन कैसी होगी कॉलेज से आने से पहले, कदम पहला कदम कैसा था आपका? नहीं, मैंने लो एक्सपेक्टेशन ही रखी थी। बढ़िया यार, लो ही रखनी चाहिए, अगर कुछ पैसा मिला नहीं ना बड़ा दुख होता है। आप अपने बारे बताइए, नाम? मेरा नाम हर्ष है। स्कोर कितना है था? 756। और हो कहाँ से? दिल्ली से। और आपका क्या एक्सपेक्टेशन था SRCC के लिए? कुछ नहीं था ऐसा कुछ। 776। आपका नाम? अंसल अग्रवाल। और कितना स्कोर था? 723। और कहाँ से आप? गया बिहार। बिहार से? 758। और हो कहाँ से? दिल्ली से। शुभंकर। और कितना स्कोर आया था? 771। और हो कहाँ से? मैं मुंबई से। मुंबई? एक्टर नहीं बनना था? नहीं। क्यों? मन नहीं है यार, इंटरेस्ट नहीं है। मैं होता मुंबई तो एक्टर बन जाता पक्का। 790।